कोरोना काल में आई अच्छी खबर, इस सेक्टर में आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित कराने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ये जानकारी दी। MSME सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में MSME के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से लेकर 60% तक लाना है। बता दें कि अभी MSME क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि नवोन्मेषों तथा उद्यमियों के लिए मदद के दायरे को विस्तृत बनाया जाना चाहिए ताकि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगले 40 दिनों में 3 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, क्रूड में 20% गिरावट की अनुमान। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बीच एक बार फिर से क्रूड की डिमांड को लेकर डर बन गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की डिमांड में अचानक से बड़ी कमी आई है। बड़ी क्रूड उत्पादक कंपनियों को एक बार फिर से डिमांड घटने का डर सता रहा है। ऐसे में ओपेक देशों की कुछ कंपनियों ने क्रूड पर डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर ओपेक और अमेरिका में उत्पादन ज्यादा है लेकिन बहुत से डिमांड अभी होल्ड पर है। इस वजह से कीमतों में आगे बड़ी गिरावट की आशंका है। मंगलवार को कारोबार में ब्रेंट क्रूड में 5% से ज्यादा और WTI क्रूड में 7% से ज्यादा की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड $40 प्रति डॉलर के नीचे चला गया जबकि WTI क्रूड $36 प्रति डॉलर के आसपास आ गया। ये क्रूड में 15 जून के बाद से सबसे निचला स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड में बुधवार को लगातार 6वें दिन नरमी के साथ कारोबार होता दिखा। बता दें कि भारत बड़े पैमाने पर ब्रेंट क्रूड का आयात करता है। तेल की मांग नरम रहने और डॉलर में मजबूती से बीते एक हफ्ते में WTI के दाम में करीब 16% की गिरावट आई है। कोरोना का असर, कंपनियों की सेल में भारी गिरावट। कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर छोटी कंपनियों की बिक्री पर पड़ा है। केयर रेटिंग की ओर से शेयर बाजार में सूची बढ़ 1686 कंपनियों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि अप्रैल से जून 2020 तिमाही के दौरान 747 कंपनियों का कारोबार 25 करोड़ रुपए से कम है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले उनके कारोबार में 67% की कमी दर्ज की गई है। केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री सुशांत हेड ने 1686 कंपनियों पर कोरोना और लॉकडाउन के असर का आकलन किया है जिसमें से 747 कंपनियों का कारोबार 25 करोड़ रुपए से कम रहा। इन कंपनियों के उत्पादकों की बिक्री अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 67% की कमी दर्ज की गई। वहीं बड़ी कंपनियों पर कोरोना असर कम देखने को मिला। 500 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों की बिक्री में 22.4% की गिरावट दर्ज की गई। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।